हेलो so स्टूडेंट मैं सौरभ ओली आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में आज हम चर्चा करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश के मार्किंग स्कीम की जो आज ही एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का उसकी चर्चा करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने दे रखे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन वन की सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहशन रीड द फॉलोइंग पैसेज आया था आपको तो उसका आंसर आपके सामने है ए का था आवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हैविंग अ हिडन इफेक्ट ऑन अस बी का था आंसर सेकंड का बी वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट माइट बी लॉस्ट व्हेन इनोवेशन अकर्स थर्ड का भी बी था रीडिंग सर्किट ऑफ द ब्रेन नीड्स एनवायरमेंट टू डेवलप एंड अडॉप्ट फोर्थ का भी था हैज इन्फ्लुएंस्ड व्हाट दे सिलेक्ट टू रीड फिफ्थ का डी वरिंग और सिक्स का भी इन क्रॉनिकल ऑर्डर सेवन का स्कीमिंग वर्ड स्पॉटिंग ब्राउजिंग सैम्पल रीडिंग एट्थ का फॉल्स नाइन्थ का बाइनरी टेंथ का क्रोनिकल क्रोनोलॉजिकल और सेकेंड पैसेज का था ए बी सी डी ई एफ सब का आंसर बता रहा हूँ मैं ए का था सेकेंड इट हैड हाई प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर पॉल्यूशन बी का था थर्ड टू फोर थ्री वन आंसर सी का था फोर्थ विवाड़ी डी का था थर्ड एट्थ ई का है थर्ड रिव्यू ऑफ डेली एवरेज ऑफ सिटीज एफ का था फोर्थ ऑल ऑफ दीज जी का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एच का है पच्चीस पॉइंट आठ परसेंट और आई का एनालिसिस, जे का इंटेंस सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स पांच मार्क्स बात करें नोटिस के थे फॉर्मेट के एक मार्क्स था कंटेंट जो आपने लिखा होगा उसके दो मार्क्स है एक्सप्रेशन के दो मार्क्स ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडिया एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग ऑफ ग्रामर अगर ढंग से आइडिया बना के एक्यूरेसी से स्पेलिंग आपने लिखी होगी तो दो मार्क्स टोटल ये पांच मार्क्स का था वर्ड लिमिट फिफ्टी थी और चौथा क्वेश्चन भी आपका नोटिस था सेम फॉर्मेट था एक मार्क्स का फॉर्मेट दो कंटेंट और दो एक्सप्रेशन जिसमें आइडिया और एक्यूरेसी की बात की गई थी फिफ्थ में कवरिंग लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम पूछा गया था फॉर्मेट बनाने पर एक नंबर कंटेंट के ऊपर दो नंबर एक्सप्रेशन के दो मार्क्स पूछे गए थे वर्ड लिमिट 120 से डेढ़ सौ के बीच थी आइडिया एंडोरेसी पर इसके बढ़िया नंबर मिलने थे दो नंबर टोटल पाँच नंबर का था ये जॉब लेटर इस तरह से आपको कवरिंग करना था कवरिंग लेटर एज पर फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट कन्वेइंग सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रिज्यूम बायोडाटा एज सेपरेट एंड प्रोफाइल ऑफ सेल्फ एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड सैलरी और दो रेफरेंस किस की तरफ से आप इस जॉब पर आए हो सिक्स था आर्टिकल सेम फॉर्मेट कंटेंट एक्सप्रेशन वर्ड लिमिट इन सब पर ध्यान देकर ही आपको ये लिखना था आर्टिकल सेक्शन सी लिटरेचर बात करें एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन डेट फॉलो ए का था वन पहले का फ़ियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर सेकंड का सी स्माइल थर्ड का डल एंड ऑब्सक्योर फोर्थ का स्माइलिंग फिफ्थ का हाइड फियर कंफर्ट हर मदर री एश्योर मदर इक्वली रिलेटेड सिक्स का रिपिटेशन और में क्वेश्चन था इसका आंसर है फर्स्ट का बी ग्लूम एंड डिसअपॉइंटेड सेकंड का ए सेल्फलेस थर्ड का ए स्टेटमेंट वन इज अ ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज अ फॉल्स फोर्थ का बी इट डज नॉट डिस्पेल डार्कनेस फिफ्थ का था फ्लावरी बैंड थिंग्स ऑफ ब्यूटी फ्लावर्स लीवस सिक्स का था डिस्पोंडेंस अगली बात की जाए बी का बी की तो ए फर्म ड्यूरेबल फैब्रिक बी का ए प्लेस लोकेटेड ऑन द आउटस्किट्स ऑफ द सिटी और थर्ड का फिफ्थ एट द ग्राउंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फोर्थ का ए टू मूव डाउनवर्ड्स एंड एंटर और में देखे तो फर्स्ट का बी एन एक्सपेक्टेशन सेकंड का भी विजनरी थर्ड का ए वन एंड टू फोर्थ का सी इज़ एन अनकरेक्टेड एरिया सी की बात करें हार्ट ब्रोकन ही वुड नॉट बी एबल टू टीच फ्रेंच द नेक्स्ट डे टू बी वेरी अटेंटिव टू हिज लेसन शॉक्ट रिपीटिड अग्रीव्ड टू वैल्यू गाड्स ऑनर रिस्पेक्ट लव फ्रेंच और में देखें तो बात की गई थी स्माइल की ऑस्पिशियस एसोसिएट टू बेंगल्स बिकॉज शी इज टू यंग टू नो वट इट सिम्बलाइज फोर्थ में द ग्रैंड मदर लॉस्ट हर विजन ड्यू टू वर्किंग नियर हॉट फर्नेसिस एंड डस्टी एटमोसफियर फिफ्थ का था पॉलिटिशियन बोरोक्रैट्स मिडलमैन साहूकार मनी लैंडर्स सिक्स का था ऑस्पिशियसनेस एट्थ में बात करें आंसर एंड फाइव आउट ऑफ फॉलोइंग सिक्स क्वेश्चन 40 50 वर्ड्स ईच कैंडिडेट नीड टू एक्सप्लेन वन और टू वैल्यू पॉइंट्स विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन आक्स्ट अब देखा जाए तो बात की जाए इसमें आंसर्स आपके सामने थे कैलिफोर्निया बीच इंसिडेंट व्हेन ही वाज 3 4 ईयर ओल्ड सेकंड का था मुकेश द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर मूविंग अवे फ्रॉम फैमिली प्रोसीजन इज वेरी डिफिकल्ट थर्ड था डॉक्टर सदाओ Provided him his boat, food, Japanese clothes with right guidance and instructions. Uh, Fourth, the spontaneous demonstration around the courthouse, liberation from the fear of the British. M. Hamel spoke to him in a gentle tone and asked him to go to his desk. He did not punish him and wanted everyone to be attentive. और सिक्स था इमेज ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक द सन द मून द ट्रीज द सिंपल शीप्स क्लियर स्ट्रीम्स फॉरेस्ट मस्क्रोस एक्सेट्रा नाइन्थ का आंसर आप देख सकते हैं नाइन्थ का है द सेक्ट्रेट सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम ए विश फुलफिलमेंट ही फेल्ट दैट चार्ली वॉज अनहैप्पी इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी फियर फॉर वॉर वरी एक्सेट्रा एंड वॉन्ट टू एस्केप Second half we have managed to create quite a ruckus, itching our dominance over nature with our villages, town cities, mega cities and rapid increase of human pollution has left us battling with over species burning of fossil fuels. A blanket of carbon dioxide around the world leading to increase to global temperature. Third as sun the uh, Maharaja bought a wooden toy tiger for this. टेंथ का क्वेश्चन आप देख सकते हैं टेंथ का क्वेश्चन आपके सामने है टू क्वेश्चन हैं एक सौ बीस से डेढ़ सौ वर्ड्स के बीच में लिखना है गांधी विजिटेड चंपा एंड रिपोर्ट्स ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स नोट्स वेर मेड ऑन अदर एविडेंस डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड ऑन ऑफिशियल कमीशन ऑफ एंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड द ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ एविडेंस वेंट अगेंस्ट द प्लान्ट फाइनली अर सेटलमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट रिफंड टू द फार्मर्स वॉज एग्रीड ऑन पीजेंट रिकोगनाइज देयर राइट एंड लर्न करेज द ब्रिटिश प्लानर्स गेव अप देयर स्टेट द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड तो नील के खेती पर यह था बेस्ड चंपारण में जो हुई थी उसके ऊपर था और मैं अगर देखें आवर डिजायर नीड टू बी कपल्ड विद स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन एफर्ट एंड

चाली के पर है आंसर और मैं देखे द शेफ एस्ट्रोलॉजर तो ये था पूरा आपके सामने आंसर की जो ट्वेल्थ क्लास की थी तो बाकी भी जो भी सब्जेक्ट्स आपके मिड टर्म एग्जाम में होते रहेंगे आप उसकी भी आंसर की जरूर आपको मिल जाएगी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद